नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शिशु कुमार वेलकम करता हूं अपने चैनल रियलिटी रिसर्च पर। दोस्तों आ गया हूं आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ चलेंगे देखने के लिए पूरा का पूरा एक सेक्टर 150 का रिव्यू कि सेक्टर 150 क्या है, किस लोकेशन पर है। स्टार्ट करता हूँ मैं ये इन्फॉर्मेशन के साथ। सेक्टर 150 एक ऐसा लोकेशन बनने वाला है जो नोएडा के सभी सेक्टर से बिल्कुल मॉडर्नाइज तरीके से अलग होगा। जितनी भी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ अगर आप किसी भी नोएडा के दूसरे सेक्टर में देखते हैं जहाँ पे किसी भी तरीके की कमी रह गई है, चाहे वो डेंसिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे ग्रीनरी की प्रॉब्लम हो, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी की प्रॉब्लम हो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा नया सेक्टर प्लान किया गया है जो कि सेक्टर 150 है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा पार्क मिलने वाला है शहीद भगत सिंह पार्क, जो कि 50 एकड़ का पार्क है और ये पार्क आज के टाइम में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तभी दोस्तों अगर आप देखेंगे इस सेक्टर में कोई भी ऐसे डेवलपर नहीं है जो कि रेनॉन्ड डेवलपर हो। यहाँ पे जितने भी डेवलपर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे रेनॉन्ड डेवलपर मिलेंगे। अगर मैं कुछ डेवलपर्स का आपको नाम बताऊँ तो यहाँ पे आपको ETS का प्रोजेक्ट मिल सकता है, यहाँ पे आपको प्रतीक का प्रोजेक्ट मिलेगा, ईस का प्रोजेक्ट मिलेगा, महागुण का प्रोजेक्ट मिलेगा, इसके अलावा टाटा हो गया, गोदरेज हो गया, एल्डेको हो गए, इन सभी के प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं कमर्शियल की भी बात करूं तो कमर्शियल के प्रोजेक्ट जो डेवलप कर रहे हैं, एज डेवलपर डेवलप कर रहे हैं, सेठी ग्रुप डेवलप कर रहे हैं, ATS का प्रोजेक्ट कमर्शियल होने वाला है, इसके साथ में टाटा का प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट होने वाला है, इसके साथ ही एल्डेको जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है लिव बाय द ग्रीन्स के नाम पे, उसमें भी आपको कमर्शियल के ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे वो सारी ही अपॉर्चुनिटी है अगर आप अपनी फैमिली को एक ऐसे एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जो सभी तरीके से सेफ हो, सिक्योर हो, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए कम्प्लीटली एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जहाँ पे स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ की प्रॉब्लम ना हो, तो डेफिनेटली आपको सेक्टर 150 एक बार ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सभी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि अनकंट्रोल्ड वे में बन रहा हो। और दोस्तों आपको बताता चलूँ, सेक्टर 150 जो डेवलप किया गया है वो पूरे के पूरे स्पोर्ट सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स में आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स एमिनिटीज मिलेगा ही मिलेगा। चाहे तो यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में अगर मैं एल्डेको का नाम लूँ, एल्डेको लिव बाय ग्रीन्स का, तो उसमें क्रिकेट एकेडमी है। ऐसा ही टाटा का जो यूरेका पार्क प्रोजेक्ट है उसमें आपको कई सारे और आउटडोर स्पोर्ट्स एमिनिटीज फैसिलिटीज मिलती है। ऐसे ही अगर आप ATS के प्रोजेक्ट में देखें तो उसमें गोल्फ कोर्स की फैसिलिटी है। ऐसे ही आप प्रतीक का प्रोजेक्ट देखें तो हर एक प्रोजेक्ट में आपको कुछ ना कुछ अलग एमिनिटीज फैसिलिटीज स्पोर्ट्स फील्ड से मिलेगा। तभी यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एल्डेको का जो क्लब हाउस है वो सारे मॉडर्न एमिनिटीज के साथ में है। अप्रोक्स 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस उनका बन रहा है। टाटा यूरेका पार्क जो आपके राइट हैंड साइड में अभी दिख रहा है ये भी लगभग 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। ऐसे ही हर प्रोजेक्ट की अपनी कुछ ना कुछ USP है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट किस प्रोजेक्ट में फुलफिल होते हैं इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली रिक्वायरमेंट। इस सेक्टर में दोस्तों आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 2 BHK से लेकर के 4 BHK तक के ऑप्शन मिल जाते हैं। इवन इस सेक्टर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको पेंट हाउस के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको विलाज के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग जस्ट अभी पहुंच चुके हैं एल्डेको लिव बाय द ग्रीन्स प्रोजेक्ट में जो कि सेक्टर 150 में है। और इस वीडियो में आप एल्डेको का बैकग्राउंड देखेंगे एज वेल एज इस वीडियो में आप समझेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें क्या एमिनिटीज फैसिलिटीज होने वाली है, क्या साइज होने वाला है, कितने फेजेस में ये डिवाइडेड है, कब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, करंट रेट आज के टाइम में क्या है और किस तरीके का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं प्रोजेक्ट के बारे में जानने के। सो फ्रेंड दिस इज द एल्डेको जिनका कि 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और पूरा का पूरा बैकग्राउंड देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज के टाइम में कितने प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया ये डिलीवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली एल्डेको का एक प्रोजेक्ट है एल्डेको ग्रीन्स जो कि सेक्टर 150 में है नोएडा में, इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानने को मिलेगा। दैन सो दिस इज़ वन ऑफ द
दीज आर द गैलरी जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। आप देख सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द USP। इस वीडियो में आप अंदर की तरफ देखेंगे भी एक्चुअल जो ऑलरेडी क्रिकेट ग्राउंड बन चुका है। एंड दीज ऑल आर द मॉडर्न एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ जो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने जा रहा है। 45,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा का पूरा क्लब हाउस होगा जिसमें हर एक तरीके का इंडोर एमिनिटीज फैसिलिटीज़ होंगे, इंडोर स्पोर्ट्स होंगे और जितने भी हम एक कल्पना करते हैं कि अच्छे 5-स्टार क्लब हाउस के अंदर ये एमिनिटीज फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हुए दीज आर द फ्यू प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी ये डिलीवर्ड कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल का मिक्सअप कॉम्बिनेशन है। एंड एल्डेको इज़ वन ऑफ द ब्रांड जो कि जाने जाते हैं अपने ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट के वजह से। तो यहाँ पे वो सारा शोकेस आप देख सकते हैं कि किस तरीके का प्रोजेक्ट इन्होंने कहाँ कहाँ पे डिलीवर्ड किया हुआ है। इंडिया के अलग अलग कोने में इनका प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। तो इस तरीके के बिल्डर में अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके के प्रोजेक्ट में, किस तरीके के बिल्डर में आप बिलीव करेंगे और अपना पैसा। तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट देखने के बाद मुझे लगता है अगर सेक्टर 150 में आप अपने लिए किसी आशियाने को तलाश कर रहे हैं देन डेफिनेटली एल्डेको ग्रीन्स के बारे में ज़रूर आपको एक बार रिसर्च करना चाहिए। और फिर भी अगर आपको कहीं पे इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टीम से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो टैगलाइन है ट्रांसपेरेंट एंड कमिटमेंट वो हम फुलफिल करें। एंड वी बिलीव टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशन। दिस इज़ एल्डेको ग्रीन्स इन सेक्टर 150 जिसके बारे में आप इस वीडियो में पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे, पूरी नॉलेज आपको मिल पाएगी। यहाँ पे 2 BHK के 2 साइज़ आपको मिलेंगे और 3 BHK का 1 साइज़ मिलेगा। एंड इस प्रोजेक्ट का पूरा जो USP है वो डेफिनेटली ये जो आप सर्कल देख रहे हैं दिस इज़ नॉट अ जस्ट अ सर्कल, दिस इज़ अ इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे आपको एक क्रिकेट एकेडमी जो मिलेगी वो इंटरनेशनल क्रिकेटर रोहित शर्मा के द्वारा रन किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ये बनाया गया है। और यहाँ का जो सबसे USP पार्ट ये भी है दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हाउस इन सेक्टर 150 नोएडा जहाँ पे हर एक तरीके का मॉडर्न एमिनिटीज़ आपको मिल पाएगा इस सोसाइटी के क्लब हाउस में। डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जहाँ पे आप जान पाएंगे कि इस क्लब हाउस में क्या क्या मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलेगा आपको। ये टोटल 20 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 17 टावर्स हैं, हर एक टावर का हाइट G+22 है। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि इसका जो एंट्रेंस एग्जिट है वो 4 साइड से ओपन है। दिस इज़ द ओनली सिंगल प्रोजेक्ट इन द कम्प्लीट सेक्टर जहाँ पे आपको 4 एंट्रेंस एग्जिट मिल पाएगा। तो भाइयों दिस इज़ द एल्डेको क्रिकेट ग्राउंड जो अभी आप देख रहे हैं। यहाँ से कई हज़ारों ऐसे क्रिकेटर्स निकलने वाले हैं जिसमें से कुछ रोहित शर्मा हो सकते हैं, कुछ सुरेश रैना हो सकते हैं, कुछ जहीर खान हो सकते हैं या कुछ इरफान पठान भी हो सकते हैं या MS धोनी भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरमेंट देना चाहते हैं जहाँ पर एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो और जहाँ आप रह रहे हैं उसी सेफ्टी सिक्योरिटी के बीच में क्रिकेट अकेडमी भी हो और जो कि इंटरनेशनल सेगमेंट पे हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हो, देन दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट। बिना लेट किए आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन स्टेज देख सकते हैं।